कितने हो गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार? बढ़िया होंगे आप सब? हम भी एकदम ठीक हैं। तो गाइस, तो फिलहाल ना अभी मैं जा रहा हूँ डब्बू को डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवा लेने। तो कल क्या हुआ कि ना कि डब्बू को जब मैं बाहर आए थे, पापा और यहाँ पर खड़े हो गए थे ना गेट के सामने, और अचानक से कब वो बाहर चला गया और बाहर के कुत्तों के साथ ना इसकी फिर फाइट हो गई। और फाइट होने के बाद ना इस यहाँ पे इसके ना इधर पीछे की साइड में ना वो कुत्तों ने काट दिया। तो अब इसको डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फिर इन्फेक्शन फैल जाता है ना। तो इसको भी इंजेक्शन लगवाएंगे और देखते हैं क्या क्या टैबलेट देते हैं। तो चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। और अपना भाई वहाँ पे रिक्शा लेके आ रखा है। चलो चलो आ जाओ, आ जा, आ जा। नो नो नो, अच्छा सुसु आ रही है, कर कर कर, सुसु आ रही है, कर आ जाओ। तो उसको वहाँ पे लेके जाएंगे, अभी देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ वैसे तो इसको, मैं एक बार पहले लेके गया था इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो उस टाइम तक तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आ जाओ, क्या हाल है भाई? कहाँ लेके जाएगा, काटेगा यार? अरे काटता उठता नहीं है ये, कि काटने वाला नहीं है। आ जा इधर, आ डब्बू को। चलो डब्बू आज घूमी है, वहीं पे रेलवे स्टेशन की साइड है ना। तो चलते हैं यार, इसको दिखा के लेके आते हैं वहाँ पे। तो कल रात को ये अचानक से पापा और गेट के बाहर खड़े थे, कुछ मेहमान आए थे तो जा रहे थे, तो ये वहाँ से पता नहीं कब खिसक गया बाहर की, और पता ही नहीं चला हमारे को। इधर देखो ऊपर, कम देखो, देखने लग गया। तो यहाँ पे गिर पड़े बाइक से, आजकल ऐसी हो रहा, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गिरने पे लगा पड़ा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं येरी शॉप। तो चलो चलते हैं इसको अंदर लेके। गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल है आपके? तो गाइस, तो यहाँ से कम लेके येरी शॉप बाइक की, तो यहीं पे आता हूँ जब भी मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, देख रहे होंगे आप, खाने पीने से लेके दवाई ववाई अभी सब कुछ। और ये देखो डॉगी का खेलने के लिए जो भी सामान है यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, लगा रखा है इधर साइड में भी। और इधर आपको कुछ भी चाहिए, ऑन का ऑन चालू है तो है ना। बैठ जाएगा फिर आराम से। इसके अंदर से निकाल ले, बाहर निकाल ले और दबा ले, बैठ जाएगा आराम से फिर। काट तो नहीं है ऐसे
वाले आ गए थे साइड ढीला नहीं होगा ऐसा छोटे में भी आपके पास ही लेके आते हैं यहाँ पे रही भाई पकड़ने लग गई काट नहीं पाएगा ना इसके मुंह पे वो लग जाएगा बड़ा सा होता है बोल सा तो उससे भी फर्क रहेगा तेरे को यार दिखाने के लिए लेके आए वो नहीं कर रहे समझा एयर पाउडर दिया है और अभी इसको दो तीन बार और लेके आना पड़ेंगे कल तीन इंजेक्शन लगेंगे आजा कम कम अब आजा नीचे मर चला बस वेरी गुड चलो चलो इधर चलो कितने गाइस तो फाइनली यार डॉक्टर के पास दिखा दिया डब्बू को अब चलते हैं घर की ओर आ रहा है ये देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसके लिए ना एक ये पाउडर भी दे रखा उन्होंने मेरे जेब में पॉकेट में देख रहे होंगे आप तो ये लगाना है इसको और इसके यहाँ पे जो इंजेक्शन लग गए तो कल दोबारा बुलाया हमने क्योंकि अब इसको डॉग ने काटा है ना तो उसके इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं तो इसीलिए इसको एक बार दोबारा लेके जाना पड़ेगा दिखाने के लिए तो चलो अब चलते सीधा घर की ओर और आपको घर पे मिलते हैं तो फाइनली आ चुके हैं घर पे अब देखो डब्बू को अब एकदम थोड़ा सही है चलो चलो अंदर चलो आ जा ना कम कम चलो चलो आ जा चलो 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 आ जा नो राजा बस 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 नो इस तो ये आज ब्रेकफास्ट में बना रखा है देख सकते हो आप बैंगन का भरता और साथ में है रोटी तो चलो फिर फटाफट से करते हैं और आप भी करिए हमारे साथ तो गाइस तो फिलहाल तो ब्रेकफास्ट हो गया और मैं आ रखा हूँ अभी बाहर और मैंने ना यहाँ पे देख रहे होंगे आप तो सारे दिए को ना अच्छे से यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया और डब्बू भी इधर इधर ही है अभी बस ये कि थोड़ा सा फ़र्क तो है यार उसको घाव देखो इधर साइड में ये देखो आपको दिख रहा होगा ना हल्का हल्का सा तो यहाँ पे है और बताओ बस बैठ नहीं रहा पाउडर लगाया था इसने सारा साफ़ कर दिया मैं कह रहा सोच रहा ना पाउडर लगा के अब दोबारा ना वहाँ पर पट्टी कर दूँगा जिससे कि होगा ना वो जरा आराम मिलेगा उसको जल्दी सूख जाएगा क्योंकि बार बार चाट दे रहा है और मम्मी लगा रहे हैं इधर झाड़ू लगा रहे हैं इधर साइड आए रखें गली में देखेंगे तो उधर अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा आपको और देखो उधर है भी झाड़ू लगा रखे तो मैं बाहर तो आज तो यहाँ तो गाइस तो आज है विश्वकर्मा डे तो आज भी सबकी छुट्टी है और घर पे ही है बट यार इस बार ये हो गया ना कि दिवाली यार दो बार आ गई तो इस चक्कर में लोगों ने दोनों दिन मनाई मगर हमने तो जिस दिन पहली दिवाली थी 30 तारीख को तो हमने तो उसी दिन मनाई थी तो और लोगों ने किसी ने कल मनाई और किसी ने 30 तारीख को मनाई तो 30 तारीख को शुभ इसलिए था क्योंकि कार्तिक का पूर्णिमा उसी दिन थी और जो कल था वो था 6 बजे तक का उसका कार्तिक का पूर्णिमा का जो था भद्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं तो वो चीज़ तो 6 बजे तक कौन मनाता है उसके बाद ही होती है रात को 12 बजे मनाई जाती 12 बजे तक लोग पूजा करके फिर मनाते ना तो इसी चक्कर में हमने उसी दिन परसों ही मनाई थी और कल है फिर भैया दूज
तो मम्मी कल भी घर पे ही है क्योंकि कल संडे भी है और भैया दूज भी है, इसी चक्कर में कल छुट्टी है। तो फिर उसके बाद पापा भी घर पे ही हैं, फिर 4 तारीख को सोमवार को सब काम पे चले जाएंगे। और डब्बू को तो अभी मैं डॉक्टर के पास से आपने देखा था दवाई लेके आया, थोड़ा सा बस इसको फ़र्क तो है, अब खाना तो खा नहीं रहा, बस अभी मैंने इसको कुछ बिस्किट उस्किट दिए वो खाए इसने, और मैंने इसको फिर वहाँ पे इंजेक्शन लग गया जो चोट है वहाँ पे उनने केमिकल लगा रखा था, अब पाउडर दे रखा है तो उसको छिड़केंगे। और कुछ ना मेरी हालत भी थोड़ी ठीक सी नहीं होगी, आपको देख के पता चल रहा कि कोल्ड और रखा है। और इधर आ रखा हूँ अभी मैं अपनी कैरी की साइड, तो कैरी देखो एकदम खाली और की, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना आपको। तो अब यहाँ पे ना हम लगाएंगे राई, तो अभी यहाँ पे हमने भिंडी लगाई थी, उसके बाद मक्के लगाए थे, वो सारे हटा दिए। और इधर साइड में देखो एलोवेरा और तुलसी बहुत ज़्यादा और की, अगर किसी को चाहिए होगी तो बोल देना ले जा लेना इधर से। और इधर साइड में ना अभी देखो पुदीना है, ये भी अब कुछ दिनों का है, उसके बाद सूख जाएगा, हाई नहीं अब कुछ भी नहीं है इसमें, हल्का हल्का सा बस, सारा ख़त्म हो गया देखो, पूरा का पूरा सूख गया पुदीना भी, क्योंकि सर्दी के टाइम पे ना ये सब चीज़ें सूख जाती हैं, बस ये मड़ुआ मड़ुआ है। अरे देखो अरबी के पत्ते भी अब नहीं हो रहे, और यहाँ पे पूरी क्यारी हो चुकी है हमारी खाली, इसमें भी अब राई लगाएंगे और तो कुछ नहीं लगाएंगे। अब मैंने ना ये देखो यहाँ पे चेंजिंग कर दिया, ये रहा हमारा कीनू का पेड़, तो इसको मैंने इधर लगा दिया मिट्टी भर के, तो अब यहाँ पे देखो कितना अच्छे से खिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उसको ज़्यादा ओप हो रहा था ना, तो जिसके कारण से बड़ा नहीं हो रहा था, इसमें इसको ओप नहीं होगा तो एकदम अच्छे से बड़ा हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे ओप क्या होता है, ओप ही होता है ना, हम गढ़वाली में बोला जाए तो ओप बोलते हैं उसको, कि उसको जगह नहीं मिल रही थी ना क्योंकि नीचे प्लस्तर है, अब कट्टा कट्टे में तो इसको एकदम नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा और जिससे कि ये एकदम बड़ा हो जाएगा, अपनी जड़े को फैला सकता है, इसीलिए तो इसको यहाँ पर अच्छा ओप मिलेगा। ये देखो मड़वा हर जगह में हो रहा है, बोले तो मुर्रिया अपने आप कहीं पे भी खिल जा रहा है, और धूप भी देखो एकदम मस्त टकाटक आई है अपनी जगह पे, वो देखो। और धूप में रह के तो अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सर्दी का सीज़न शुरू हो ही चुका है, और अभी जब बीच में जब सर्दी तो इस बार बड़ी जल्दी शुरू हुई ही थी सितंबर से अक्टूबर में, तो अक्टूबर के महीने में ना कुछ पता नहीं चला ठंड का, गर्मी गर्मी हो रही थी, और नवंबर 2 तारीख के बाद से आज थोड़ा मौसम लग रहा है कि हाँ भाई धूप में रहने में मज़ा आ रहा है, खड़े होने में, नहीं तो कल परसों से पहले तो धूप में रहा भी नहीं जा रहा था, कभी ठंड हो रहा है कभी मौसम और कभी गर्म हो रहा है, इसी चक्कर में ना सबको ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खांसी जुकाम वैसी हो रही, तो वैसे मुझे भी ना कोल्ड हो रखा है और थोड़ा वैसे तो भैया कि थोड़ा। स्टॉप करते हैं लंच, और जो टाइम हो गया ना लंच टाइम हो चुका है, तो साथ में ये रहे चावल, और आज कौन सी दाल बनाई है पापा है मम्मी, मसूर की दाल है और साथ में अचार है, इधर साइड में चावल है, तो चलो फटाफट से करते हैं रबी की चीज़ हमारे साथ। और डब्बू को भी मैंने दवाई वगैरह दी थी, पाउडर लगा दिया था ना, तो सीधा लेटा था बाथरूम के अंदर, क्योंकि वहाँ ना एकदम ठंडा भी है और मक्खियाँ भी नहीं आ रही उसको परेशान करने के लिए, नहीं तो जब अंदर आके भी लेट रहा है बाहर भी लेट रहा है ना, तो मक्खियाँ आ रही है उसको बार बार परेशान करने के लिए, तो चलो फिर खाते हैं और आप भी कीजिए हमारे साथ। तो गाइस तो खाना खा गए यार, मस्त नींद आ गई थी, तो अभी उठ रहा हूँ मैं शाम के ना 4 बज चुके हैं, और मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ पे मम्मी पापा कर क्या रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अंदर होंगे, अंदर जाके देखा तो अंदर दिखे नहीं, बाहर में बताने लगे पड़े क्या कर रहे हैं, तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इनने क्या करा, धनिया बोना स्टार्ट कर दिया, देखो इसमें सारे में धनिया फैला दिया इधर भी बोने के लिए, और यहाँ पे देखो इतना अच्छा यार बड़ा सा मुर्रे का डाल और का था सारा इसको उखाड़ दिया, और यहाँ पे देखो इस क्यारी को थोड़ी सी बड़ी कर दी, अब चौड़ी कर दी, मिट्टी कहाँ गई रे, कौन सी मिट्टी, जो मिट्टी, मिट्टी है कहाँ, यहाँ ये तो आपको ये पता था दिख नहीं रहा, इसमें मैंने नारंगे का पेड़ लगाया जो मिट्टी लेके आया था, नारंगी की सोली बोले नारंगी की सोली आगे हमको नहीं आता अरे कहने लगे वेली डाली माटे कम पड़ी तो यहाँ पे भी फैला रहे, और माँ देखते हैं इधर साइड में, माँ रही माँ जी क्या कर रही है,
क्या करें चमा रण दे दिया तो वो भाई अरबी तो मम्मी ने यहाँ पे ना सारा काट दिया गुलाब की टहनी बहुत ही ज़्यादा फैल गया था लंबा कांटा चुभ गया हाथ पे देखो ओए ये देखो हल्के से यहाँ से खून से भी निकल रहा है खेल तो इस पे इतने फूल रहे नहीं है जितने इस पेड़ इतना बड़ा होता जा रहा है एलोवेरा देखो कितनी मस्त हो रही है यार इसको लगाने में बड़ा मजा आता है चेहरे पे और बालों पे तो एक बार लगाई थी हमने तो गाइस इसमें धनिया नहीं यार मैंने आपको गलत बताया इसमें राई हुई है अब मुझे पता है मुझे पता है कैसे पता चला टाटा चाय पत्ती का पैकेट देख के इसके अंदर रखी बड़ी थी राई हमने कब से इतू सी रही होगी तो उसको बोल दिया इधर क्योंकि मैं भी कब से बोल रहा था मम्मी राई पड़ी है बोनी बोनी है बट मेरे को मिली नहीं तो मम्मी और ने आज ढूंढ के लगा दी अच्छा हुआ मेरा बापू क्या कर रहा है क्या कर रहे हो मिक्सी में डाल देते गर्र हो जाता क्या दो पॉट उतरे यहाँ पे दुनिया के बीच को तोड़ दिए अब बोलने के लिए ना अच्छे जब लग जाएंगे छोटे छोटे तो होएगी वैसे भी अब लग जाएंगे आराम से एकदम बढ़िया से ये दिए यहीं पे पड़े हैं अभी इनको आज मैं उठा के रख दूंगा एक किनारे